स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 9 सेलिना पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7A। एक्सरसाइज 7A जो है चैप्टर है इंडिसेस। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? इंडिसेस, INDICES, इंडिसेस, और कोई कोई इंडाइसेस भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ये वाला जो चैप्टर है ना, ये क्या है? एक्सपोनेंट्स। ठीक है, एक्सपोनेंट्स ये क्लास 9 का एक्सरसाइज है, लेकिन हम बताएंगे कि तुम लोग क्लास 7 का और क्लास 8 का, और नहीं वहां पे एंड बोलो तो अच्छा है, तो क्लास 7 एंड क्लास 8 का चैप्टर्स देख लो। ठीक है, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 होगा सेलिना का। ठीक है, सेलिना का चैप्टर 2, और क्लास 7 का आई थिंक 5 है। ठीक है, चैप्टर 5 सेलिना। ठीक, तो ये क्लास 7 का चैप्टर 5 सेलिना, ये क्लास 8 का चैप्टर 2 सेलिना, ये पूरा का पूरा ही, ये दोनों वीडियो जो है, ये वीडियो मेरा चैनल पे अपलोडेड है। तुम लोग बस सर्च बटन पे जाओ और लिखो कि क्लास 7 एक्सपोनेंट्स, ठीक है, इजी कम्युनिकेशन, तो फिर देखना मेरा ही वीडियोस आएगा। ठीक है, क्लास 7 एक्सपोनेंट्स इजी कम्युनिकेशन, तो मेरा ही बना हुआ वीडियोस आएगा। और अगर मेरा चैनल पे आ चुके हो, ये क्या है? यूट्यूब सर्च के लिए। ठीक है, ये यूट्यूब पे जाके सर्च करो, ये वाला सीधा सर्च लिंक पे जो है वहां पे ये लिख के सर्च करो, आ जाएगा। और फिर क्लास 8 एक्सपोनेंट्स इजी कम्युनिकेशन लिखोगे तो भी आ जाएगा। और अगर मेरे चैनल में आ गया हो तो फिर बस चैनल का प्लेलिस्ट का सर्च बटन पे जाके ओनली ये क्लास 7 एक्सपोनेंट्स लिखो, बस क्लास 7 एक्सपोनेंट्स। ठीक है, या फिर क्लास 8 एक्सपोनेंट्स लिखो तो फिर ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। लेकिन वहां पे जाके देखना क्या है, वहां पे जाके इंट्रो वीडियो देखो, इंट्रो। ठीक है, इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो, एकदम फर्स्ट वीडियो जो है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो जो है वो वाला चेक करो। ठीक है, एक बार देख लो वहां पे तुमको क्या सीखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला क्या क्या है और फॉर्मूला को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। और इसके बाद एक और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम बताएंगे कि ये क्लास 9 का एक्सरसाइज करने से पहले क्लास 8 का, क्लास 8 का जो एक्सपोनेंट का चैप्टर मैंने अपलोड किया है, एक्सपोनेंट का जो चैप्टर मैंने अपलोड किया है वो चैप्टर जाके एक बार देख के आओ। चैप्टर मतलब एक्सरसाइजेस है, वहां पे दो एक्सरसाइजेस है, तो दो एक्सरसाइज देख के आ जाओ। तो फिर यहाँ पे हम नियर अबाउट 90% गारंटी देते हैं कि तुम्हारा यहाँ पे 7A 7B जो है, ये दोनों का दोनों एक्सरसाइज ही बन जाएगा इजीली। बस क्लास 8 का सम्स करने से ही ये क्लास 9 का सम्स बन जाता है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम टाइप का सम्स है, कुछ डिफरेंस नहीं है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस अलग तरीका अलग होगा थोड़ा सा, मतलब सॉल्विंग पोर्शन कुछ अलग हो सकता है, लेकिन सम जो है लगभग सेम ही सम्स है, सेम ही सम्स है। ठीक है, लेकिन हमको क्या, हमको तो मैथ्स करना ही है, हमको तो एक्सरसाइजेस डालना ही है, लेकिन ये एक्सरसाइज भी हम पूरा का पूरा करके देंगे। लेकिन ये एक्सरसाइज करने से पहले हम बताएंगे कि तुम क्लास 7 का चैप्टर 5 सेलिना एंड क्लास 8 का चैप्टर 2 सेलिना का इंट्रोडक्शन, दैट मींस फर्स्ट वीडियो एक बार देख लो। और ये चैप्टर करने के लिए, ये चैप्टर करने के लिए क्लास 8 का एक्सपोनेंट का जो चैप्टर मैंने अपलोड किया है वो चैप्टर देख के आ जाओ। मतलब तुम्हारा शायद एक दिन वेस्ट होगा, वो तुम सोचोगे कि मेरा ये वेस्ट है, लेकिन अगर ध्यान से वीडियो देखोगे तो ये क्लास 9 का एक्सपोनेंट्स पूरा का पूरा तुम्हारा दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, ये 7A जो है ये पूरा का पूरा 8 का ही कंसेप्ट है जो हम लोग रिविजन करेंगे। 7B में थोड़ा सा अलग है, लेकिन वो भी हो सकता है इजिली कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि का जरूरत है, और तुम लोग में बुद्धि है, ऐसा नहीं है कि तुम लोग में नहीं है, बहुत सारा स्टूडेंट्स जो है उनका बुद्धि नहीं होता है, बुद्धि नहीं होता है मतलब ऐसा नहीं कि इंटेलिजेंट नहीं है, बुद्धि नहीं है मतलब ऐसा है कि बहुत इजीली सबको पकड़ नहीं पाता। ठीक है, तो थोड़ा सा एक पुशअप का जरूरत होता है, थोड़ा सा एक पुश का जरूरत होता है, वो पुश के बाद वो फटाफट ग्रैब कर लेता है। तो हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, चलो अब चलते हैं एक्सरसाइज में 7A 1 Part 1। देखो सम क्या है, 3 to the power 3 into 243 to the power minus 2 by 3 into 9 to the power minus 1 by 3। देखो यहाँ पे हम बस सिर्फ सम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इंट्रो वीडियो तुम लोग देख के आए हो, ये हम समझ रहे हैं। अगर नहीं है, अगर नहीं देखे हो तो प्लीज जाके वो इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लो, वहां पे क्या क्या फॉर्मूला है, क्या क्या फॉर्मूला कैसे यूटिलाइज करना है वो मैंने पूरा का पूरा बता दिया है। दोनों वीडियो ही देख लो, दोनों क्लास का दोनों इंट्रो वीडियो ही देख लो, क्लास 7 का इंट्रो वीडियो भी देखो, क्लास 8 का इंट्रो वीडियो भी देखो, देख के फिर यहाँ पे आ जाओ। ठीक है,
अच्छा फिर जो है यहाँ पे ये 3 का क्यूब तो है ही, फिर मल्टीप्लाइड बाई 243, 243 मींस ये किसका क्यूब हो जाएगा, 3 टू द पावर 5 होता है, ठीक है, 3 टू द पावर 5 होता है, 3 टू द पावर 5 होता है इनटू -2/3, ठीक है, यहाँ पे इनटू इसको ब्रैकेट में रखो ताकि ये समझ में आ जाए, फिर इनटू यहाँ पे 3 टू द पावर 3 इनटू 3 टू द पावर 3 होगा, नहीं होगा 2 होगा, यस 1/3 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये 2 है ये 3 है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, चेक करो यहाँ पे हम लोग 3 क्यूब लिख सकते हैं इनटू यहाँ पे ये नीचे 1 है, तो ये न्यूमरेटर जो है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो -5 × 2 = 10/3 हो जाएगा, इनटू यहाँ पे 3 to the power -2/3 हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या है, अगर बेसिस आर सेम तो पावर्स आर एडेड अप इन एक्सपोनेंट्स, तो पावर को एडेड अप कर लो, तो 3 to the power 3 प्लस ऑफ -10/3 प्लस ऑफ -2/3, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, देखो 3 to the power 3 माइनस, ये माइनस हो रहा है, -10/3 -2/3, यहाँ पे नीचे 1 है, तो 2 द पावर में एलसीएम करो, अब 2 द पावर में कैलकुलेशन होगा, 2 द पावर में कैलकुलेशन करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 3 3 = 9, फिर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 जो है बैठ जाएगा, -2 जो है बैठ जाएगा। इसके बाद हम इधर कर रहे हैं, ये नेक्स्ट स्टेप है इसका, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है, और इसके बाद यहाँ पे कर रहे हैं, तो 3 टू द पावर में क्या हो जाएगा, नीचे तो 3 है, अब 10 प्लस 2 क्या हो जाता है 9 -12, तो दैट मींस क्या आ जाता है 3 to the power -3/3, यहाँ पे 2 द पावर में कैंसिल आउट हो जाएगा 3 to the power -1, सो आंसर इज 1/3। तो यहाँ पे हम नहीं बता रहे कि एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो जाके इंट्रो वीडियो चेक करके हम थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पे हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज किया, ये ब्लू से बता रहे हैं, यहाँ पे जो है हम लोग यूज किया है a^m (n) दैट इज इक्वल टू a^mn, ठीक है, ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी यूटिलाइज हुआ है, यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला यूज हुआ है a^m (n) that is equals to a^m+n, मतलब पावर्स जो होता है ये ऐड हो जाता है, ये ब्लू से क्या दिखा रहा है, फॉर्मूला लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लॉज है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या मैंने फॉर्मूला यूज किया है, यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने यूज किया है ये नीचे लिख रहे हैं, ये a^-n अगर है तो ये हो जाता है 1/a^n, ठीक है, ये 3 फॉर्मूला मैंने यूटिलाइज किया है, हम फॉर्मूला का डिटेल नहीं बता रहे, ठीक है, फॉर्मूला का डिटेल नहीं बता रहे, ताकि तुम लोग वहां पे जाके इंट्रोडक्टरी वीडियो देख के आओ, एक बार इंट्रोडक्टरी वीडियो देखोगे फिर यहाँ पे आ जाओ, फिर हम सम सॉल्व कर रहे तो समझ में आएगा, तो एक ही चीज का वीडियो बार बार देने से कुछ नहीं होता है, बस टाइम ही वेस्ट होता है, ऑलरेडी अपलोडेड है वहां पे जाके देख के आ जाओ, कैसे जाना है वो मैंने बता दिया है, ठीक है। अगर YouTube पे सर्च बटन पे लिखना है तो YouTube का सर्च बटन पे लिखो क्लास 7 एक्सपोनेंट्स इजी कम्युनिकेशन, मेरा ही वीडियो आएगा, और फिर क्लास 8 एक्सपोनेंट्स इजी कम्युनिकेशन, मेरा ही वीडियो आएगा। और क्या कर सकते हो मेरा चैनल पे आ जाओ, मेरा चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करो, प्लेलिस्ट ओपन करने के बाद वहां पे जाके लिखो क्लास 7 एक्सपोनेंट्स या फिर क्लास 8 एक्सपोनेंट्स, तो दोनों इंट्रोडक्शन ही देख लो, चेक कर लो, यहाँ पे हम फोटो डाल देंगे जब वीडियो एडिट करेंगे कि कौन सा वीडियो का थंबनेल में कौन सा पिक्चर है वो हम दे देंगे, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द 1 पार्ट 2, यहाँ पे हम सिर्फ सॉल्विंग दिखा रहे कि कितना इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 पार्ट 2 में देखो क्या है, क्वेश्चन है 5 to the power -4 × 125, पहले ना यहाँ पे क्वेश्चन कॉपी कर लेना, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स हो कि क्वेश्चन कॉपी नहीं करते हो, तो बेटा तुम लोग क्वेश्चन कॉपी कर लेना हमेशा, नहीं तो दिक्कत आएगा क्योंकि एग्जाम में तुमको बेटा क्वेश्चन कॉपी करना ही है, तो घर पे उसका प्रैक्टिस करो। तो 5 to the power -4 × यहाँ पे 5 to the power कितना हो जाएगा बताओ, तो 5 × 5 × 5/3, और यहाँ पे डिवीजन साइन दो, यहाँ पे 5 to the power 2 × -1/2 हो जाएगा, यहाँ पे देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाइड विद दिस 3 तो कैंसिल आउट हो गया, ये 2 मल्टीप्लाइड विद दिस 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 to the power -4 × 5 to the power 5 (÷5 to the power -1)। तो यहाँ पे ऐसा वैसा क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो सीधा प्लस कर दो, डिवीजन है तो माइनस कर दो, तो अल्टीमेटली क्या होगा 5 to the power -4 + 5 - -1, ठीक है, इसका माइनस हो रहा है इसलिए बीच में माइनस। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 5 to the power -4 + 5 + 1, तो 5 + 1 = 6 होता है, तो 6 - 4, तो 5 to the power -4 + 6, तो क्या आ जाएगा 5 to the power 2, दैट मींस 25 विल बी द
आंसर। समझ में आया? यहाँ पे भी हम नहीं बता रहे कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूटिलाइज किया है, तो वो भी एक बार वो सारा सम्स थोड़ा सा एक बार देख के आओ, क्लास 8 का सम्स देख के आओ तो इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3।